हम लोग देख रहे हैं इननेट इम्यूनिटी कितनी तरह के होती है। तो इननेट इम्यूनिटी जो है ये फिज़िकल बैरियर होती है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होती है, सेलुलर बैरियर होती है, इसके अलावा साइटोकाइनिन बैरियर्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इननेट इम्यूनिटी होती क्या है। ये तो इननेट इम्यूनिटी में हम लोग देख रहे हैं कि इननेट इम्यूनिटी जो है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ये डिफेंस है। दिस इज प्रेजेंट, कह रहा है कि ये प्रेजेंट होता है इननेट इम्यूनिटी, कब प्रेजेंट होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय से ही ये जो इम्यूनिटी होती है उसको इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। तो इननेट इम्यूनिटी किसको हम लोग कहेंगे, इननेट इम्यूनिटी इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय से ही ये प्रेजेंट होता है। दिस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर जो है इसमें होते हैं। ये बैरियर क्या करते हैं, बैरियर दिस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय द प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इन आवर बॉडी। इननेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप ऑफ बैरियर, दीज आर, ये क्या क्या बैरियर हैं। पहला बता रहा है कि ये फिजिकल बैरियर कह रहा है कि स्किन इन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर, स्किन जो है मेन बैरियर है, विच प्रिवेंट, ये रोकता है, किसको रोकता है, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है। कह रहा है कि म्यूकोसल कोटिंग ऑफ द इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंट्रिंग आवर बॉडी, ये फिजिकल बैरियर में ये आ गया। कह रहा है फिजिकल बैरियर में ये क्या हो गया, ये स्किन हो गया, स्किन ऑफ आवर बॉडी, ये जो है मेन बैरियर है, विच क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा बता रहा है कि म्यूकोसल कोटिंग ऑफ द इपिथेलियल लाइनिंग है, किसमें है, रेस्पिरेटरी में है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में है और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में है, ये भी क्या करता है, हेल्प करता है ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग द बॉडी। अब हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, कह रहा है कि हमारे एसिड जो है, एसिड इन स्टोमक एसिड है और सलाइवा इन आवर माउथ, सलाइवा जो है माउथ में है और टीयर फ्रॉम आइज, आँख से जो टीयर निकलता है, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ये सारा क्या करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं सेलुलर बैरियर, कर रहा है कि सर्टन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स किसको कहते हैं, WBC को कहते हैं, इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में, लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ये PMNL न्यूट्रोफिल्स इसको बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जिसको कि PMNL बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स होता है ये, न्यूट्रोफिल्स हैं एंड न्यूट्रोफिल्स हैं और मोनोसाइट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, हम लोग को नाम याद रखना पड़ेगा, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर, ये नेचुरल किलर क्या है, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स है, इन द ब्लड, कहाँ पे है ये, इन द ब्लड में है, एज वेल एज मैक्रोफेज, ये क्या है, मैक्रोफेज, ये कहाँ है, इन टिश्यू, कैन फैगोसाइटोस मतलब उसको खा जाता है और क्या करता है, डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये इसके ऊपर ध्यान देना है हम लोग को। और साइटोकाइनिन बैरियर है, साइटोकाइनिन बैरियर क्या है, ये साइटोकाइनिन बैरियर कह रहा है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, एक प्रोटीन करता है, उसको कहते हैं हम लोग कॉल्ड, क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन क्या करता है, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, दूसरे सेल को इन्फेक्शन नहीं हो जाए उसमें ये इंटरफेरॉन मदद करता है। तो ये हो गया आपका
इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी में हम लोगों ने देखा जो जन्म से ही प्रेजेंट होता है, जो जन्म से ही हम प्रेजेंट होता है जिसके कारण बीमारी नहीं हो, उसको हम लोग इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, जन्म से बाय बर्थ से ये होता हो। तो इसमें क्या है, फिजिकल बैरियर हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं, सेलुलर बैरियर हैं। सेलुलर बैरियर के अलावा जो है दूसरा हम लोग देख रहे हैं साइटोकाइनिन बैरियर हैं, साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर में इम्पॉर्टेंट है इंटरफेरॉन, ये वायरस से जो अटैक होता है उसमें ये इंटरफेरॉन बचाता है। और ये जो है इम्पॉर्टेंट ये है सेलुलर बैरियर्स, इसमें भी हम लोग को जाना है। सेलुलर बैरियर में क्या है, ये WBC जो है ना बचाता है, WBC सर्टन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स में WBC है इन आवर बॉडी। इसमें क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स ये बीमारी से बचाता है, न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा क्या बचाता है, मोनोसाइट्स से ये बचाता है। नेचुरल किलर सेल है, नेचुरल किलर सेल क्या है, लिम्फोसाइट्स है ये। और इसके अलावा माइक्रोफेज ये भी बचाता है, ये फाइगोसाइटोस करता है, फाइगोसाइटोस मतलब खा जाता है या फिर डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोब्स को। तो ये हुआ इननेट इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में।